नेम वॉस कर्लिलो और उस डेल्फिन का नाम था कर्लिलो। घुंघरालू बाल होने की वजह से उसके पैरेंट्स उसका नाम उसका कर्लिलो रखा था। वन डे शी वेंट इन द फॉरेस्ट, एक दिन की बात है शी वेंट इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट यानी जंगल में चले गई। नियर एन हाउस, उसके घर के पास ही एक फॉरेस्ट था, तो वो अचानक निकल पड़ी अपने घर से बाहर और उसने सोच रहा फॉरेस्ट में घूम गया। तो फॉरेस्ट में जैसे ही वो निकल पड़ी चलते चलते तो बहुत आगे निकल आई और उसकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ती गई, चलती गई तो वहां पर उसने देखा कि उसको वहां पर एक कॉटेज थी। ओके, शी वेंट नियर ए कॉटेज एंड शी वाज वेरी मच ईगर टू सी व्हाट वाज देयर। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो अपने घर के पास के फॉरेस्ट में चलते चलते जाती है, बहुत आगे फॉरेस्ट में निकल आती है, तो शी सॉ ए कॉटेज, उसने छोटी सी कुटिया देखी और उसका मन हुआ कि मैं जाऊं कुटिया में, देखूं कि जंगल में कुटिया है क्या है यहाँ पे। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो जैसे वो कुटिया को देखी तो वो धीरे धीरे चलती गई और जैसे उसने दरवाजा खोला, उससे पहले तो नॉक किया और उसको कोई जवाब नहीं आया, तो वो थोड़ा 2 मिनट उसने रोक के रखा अपने आप, मे बी देयर समबडी ही विल कम एंड जस्ट ओपन द डोर। तो उसने दरवाजे को नॉक किया पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसने डोर को खोला और इज एनीबडी देयर इन, तो उसने आवाज ले ली इज एनीबडी इन, कोई घर में है, उसने से बोला शी आस्क्ड, उसने पूछा। तो उसने अगर आपने नोट किया होगा अगर हम किसी घर जाते हैं जब तो हम लोग डोर बेल बजाते हैं, डोर बेल बजाने से क्या होता है कि जो पर्सन है उसको ऐसा होता है कि मेरे घर कोई आया तो वो आके डोर को खोलता है और हमें अंदर बुलाता है। पर कभी लोग क्या करती है, वो नॉक करती है डोर को और उसको अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो वो बेचारी फिर से खड़ी रहती है कि मैं वेट करती हूँ, मे बी कोई अंदर होगा और वो थोड़ा टाइम लेके आएगा, तो वो फिर से नॉक करती है पर देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसने दरवाजे को धीरे से टच किया कि खोलूँ, तो दरवाजा खुल जाता है, तो वो धीरे से दरवाजा खोलती है और वहां से आवाज देती है कि इज एनीबडी इन, कोई घर में है, देयर वाज नोबडी, कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा था, अगर घर में कोई होगा तो रिप्लाई देगा ना, लेकिन उस कॉटेज में कुटिया में कोई भी नहीं था, इसलिए देयर वाज नोबडी, वहां पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव इन दैट कॉटेज, और वो कॉटेज किसका था, एक भालू का परिवार रहता था उस कॉटेज कुटिया में, भालू रहता था, उसकी पत्नी और एक उसका बेबी था, तो वो भालू का जो परिवार था वो लोग तीनों घर में नहीं थे और वो कॉटेज उनका था। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक, और वो परिवार जो भालू का बियर की जो फैमिली थी वो लोग वॉक पे गए थे, लेकिन इस बात से कर्लिलो अनजान थी, तो वो घर में घुसती है, आवाज लगाती है, कोई जवाब नहीं आता, तो सोचनी पड़ती है कि किसका घर है, कौन है यहाँ पे रहता है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बस सोचती है पर कुछ नहीं होता, लेकिन वो घर भालू का होता है और उस घर में भालू रहता होता है, और इस तरह से वो भालू का जो परिवार है वो तीनों फादर मदर और बेबी उनका जो था वो लोग वॉक पे गए थे। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेसन हियर और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका बाकी का पार्ट समझाऊंगी, तो आपको मैं फिर से बार रिवाइज करवा देती हूँ कि एक बार की बात है, एक प्यारी सी बच्ची थी कर्लिलो, उसके बाल कर्ली थे, बहुत प्यारी सी थी कर्ली, उसके बाल कर्ली थे, घुंघरालू थे, इसलिए उसका नाम भी कर्लिलो था। और वन डे, एक दिन की बात है कि वो चलते चलते जंगल में निकल जाती है अपने उसके हाउस के, यानी उसके घर के पास एक जंगल था, वो वहाँ चली जाती है चलते चलते आके, और जब बहुत दूर आके जंगल में पास में चली जाती है तो वहाँ पे उसको एक कॉटेज यानी कुटिया दिखती है और वो उस कुटिया में जाती है और वहाँ पे वो नॉक करती है, कोई रिप्लाई नहीं आता, वो घर में जाती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो घर में जाके देखती है, कोई भी घर नहीं मिलता, और वो घर किसको बिलोंग करता है, एक बियर की फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन वो बियर की फैमिली वॉक पे गई। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेसन हियर ओनली, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस हार्ड वर्ड्स फॉर यू, आई हैव रिटन ऑफ दिस चैप्टर हार्ड वर्ड्स ओ एन सी ई, वंस, वंस यानी एक बार की बात है, जी आई एम गर्ल, गर्ल यानी लड़की, सी यू आर एल वाई, अब जैसे मैंने आपसे कर्ली लॉक्स का लेसन पढ़ाया तो इसमें जो लड़की है जो मेन कैरेक्टर है कर्ली लॉक्स उसके बाद कर्ली है एकदम घूमरा लू एच आई एम है, आपको सबको पता है कि हम लोग की सर पे है और है वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत लोगों की गोल्डन येलो कलर के होते हैं स्पेशली फॉरेन कंट्री में, और इस स्टोरी में जो मैंने कर्ली लॉक्स की बात करी उसके है कर्ली एंड एनी नेम, नेम यानी नाम, हम सबका नाम होता है, जैसे मैंने आपको बताया जैसे आपको स्कूल आते हो तो टीचर आपको अपने नाम से बुलाती है, जब आपको अटेंडेंस देती है तो आपको आपके रोल कॉल से नाम से बुलाती है तब आप उसको प्रेजेंट बोलते हो, तो नेम इज द मोस्ट स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच गिव्स योर आइडेंटिटी। W E N T, वेंट यानी जाना, F O R E S T,
अपना खुद का एक घर है जहाँ पे हम रहते हैं, खाते पीते सोते हैं और अपने आप को हीट कोल्ड एंड से प्रोटेक्ट करने के लिए सबको एक हाउस की जरूरत पड़ती है। COTTAGE कॉटेज, कॉटेज यानी छोटी सी कुटिया। और आपको इस स्टोरी में पता चला कि गंभीर और से फॉल्स में जाके वहाँ पर सिर्फ कॉटेज होते हैं, कॉटेज यानी छोटी सी कुटिया। FAMILY फैमिली, फैमिली यानी परिवार। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, जैसे फैमिली मीन्स ऑल द मेंबर, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, फादर मदर, फादर मदर के बच्चे जो होते हैं, फिर अंकल आंट उनके बच्चे, तो वो आपके कजिन हो गए। ओके, तो ये सारे ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल आंटी, ग्रैंड मदर, आपकी बुआ मदर, बुआ आपकी, आपकी फूफा, जैसे पूरे सारे जो होती है आपके अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके नाना जी नानी, तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं इन सबको इकट्ठा करके ज्वाइन करके जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं फैमिली। और आपको मैं ये भी बताऊँ फैमिली बहुत तरह के होती है, फैमिली ज्वाइंट फैमिली या न्यूक्लियर। ज्वाइंट फैमिली जो होती है उसमें फादर मदर, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, चिल्ड्रन, अंकल आंटी, उनके बच्चे, तो बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली होती है।